सबका मैं स्वागत करता हूं सर। और इस मीटिंग की शुरुआत जो है मैं अपने परम पूजनीय अपने गुरुदेव सुनील पैल जी, ठाकुर जी, डीके सिंह जी और सुरेश यादव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरुआत करता हूं सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आर यू एक्साइटेड, क्या आप एक्साइटेड हैं आज का प्रोग्राम देखने के लिए? आर यू ओपन माइंडेड? क्योंकि ओपन माइंडेड का होना बहुत जरूरी है सर। जिस तरह से एक पैराशूट जो है वो ओपन माइंडेड होता है अगर तभी वो काम करता है सर। तो आज जो मेरी जो ड्यूटी लगाई गई है सर, पहले जो था हमारे लीडर्स ने जो है एक फाउंडेशन तैयार करी कि कैसे हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, वो सिक्स बेसिक के ऊपर जो है वो हमने बातचीत करी। अब किस तरह से हम अपनी जो कामयाबी की जो शुरुआत है वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमारे जो सेकेंड जो पॉइंट आता है दैट इज एट कोर सेट। तो एट जो कोर सेट है वो एक सफलता का एक चक्र है दोस्तों, सफलता का एक चक्र है दोस्तों, एट कोर सेट है इसके अंदर। और ये जो चक्र है जितनी जल्दी घूमता है उतनी जल्दी जो है हमारी जो है कामयाबी हमारे हाथों में आ सकती है। तो उसका जो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सेट योर गोल्स, मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करें जहां पे हमारी कामयाबी की शुरुआत होती है। जैसे हम सिस्टम है इसकी स्टार्टअप हमारा हो जाता है, स्टार्टअप होने के बाद कैसे हम अपनी बिजनेस रूपी गाड़ी को हाईवे पे दौड़ा सकते हैं, उसके लिए जो है वी हैव टू टेक अवर डायरेक्शंस, हमने अपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट एवर इज अवर सिचुएशन एंड पोजीशन टुडे, बट द डायरेक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गोल होता क्या है। गोल क्या है? जब ड्रीम के ऊपर डेट पड़ जाती है, डेडलाइन पड़ जाती है, उसको गोल कहा जाता है। उससे पहले हम जानते हैं कि ये सपना होता क्या है सर। जिंदगी में हर चीज की शुरुआत एक सपने से होती है सर। जैसे ही हम जिंदगी में आते हैं धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, हमारे जो है हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे जो है बड़ा होकर के एक बड़ा इंसान बनना है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी लाइफ में सुख सुविधाएं आए, हर व्यक्ति चाहता है मेरा अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, समाज के लिए कुछ करके जा सकूं, इस देश के लिए कुछ करके जाऊं। हर बंदे के आप बीच में एक चिंगारी होती है दोस्तों, हर व्यक्ति के बीच एक चिंगारी है दोस्तों। लेकिन समय के हालात में वो इस तरह से जैसे वो अपना काम शुरू करता है, समय के हालात में वो इस तरह से बनता जाता है, वो चिंगारी जो है वो दब जाती है दोस्तों, वो इस तरह से दबती है दोस्तों, वो हालात के हिसाब से दबती जाती है। कहते हैं जब चिंगारी जो है राख में बदल जाती है दोस्तों, जब राख मतलब जैसे वो राख को जैसे हटाते हैं वो चिंगारी फिर से तो है वो उजड़ होना शुरू होती है दोस्तों। मैं पिछले लगभग 24 सालों से होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं दोस्तों, और मेरे अंदर भी जो चिंगारी थी, जो सफलता की जो आग थी, काम करने की जो आग थी कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं, वो दब चुकी थी दोस्तों। लेकिन इस आशय रूपी प्लेटफॉर्म ने फिर से जो है एक चिंगारी जो है मेरे अंदर पैदा की दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि चिंगारी जो है वो जो गोल है, जैसे हम अपने जो है लाइफ में कोई भी जो है गोल, हर व्यक्ति जो है लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है दोस्तों, हर व्यक्ति जो है लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ तो अपने लंच के लिए भाग रहा है, कुछ हम लाइफ के लिए भाग रहे हैं दोस्तों। इसको मैं एक जो स्टोरी के माध्यम से रिलेट करना चाहूंगा दोस्तों। एक बार जंगल में है एक कुत्ता और एक खरगोश का जो है एक आपस में जो मिलाप होता है। जैसे ही कुत्ता खरगोश को देखता है और खरगोश जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उसके पीछे कुत्ता भागता है, तो इस तरह से भागते 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 क्या होता है, जो खरगोश होता है बिल के बीच में छिप जाता है उसको। तब हांता हांता जो कुत्ता जो उसके बिल के पास आते हैं, वो पूछते हैं दोस्त मैं आपसे जो आकार में बड़ा हूँ, आपसे साइज में बड़ा हूँ, आप मेरी जो चाल है आपसे ज्यादा है, लेकिन आज क्या काम था कि आज जो है तू मेरे से बच गया। तो खरगोश अंदर से जो रोते रोते कहते हैं दोस्त तू सिर्फ अपने जो है लंच के लिए भाग रहा था, मैं अपनी लाइफ के लिए भागता है। इसी तरह से हर कोई व्यक्ति आज जो है कोई ना कोई जो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई तरीका जो है ढूंढ रहा है, कोई अपने लंच के लिए भाग रहा है, कोई लाइफ के लिए भाग रहा है दोस्तों। तो हम ये बात करें कि जो ये गोल, जब हमारा जो ड्रीम जो हमारा गोल में कन्वर्ट हो जाता है, कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो सपना है वो पूरा होता है, हर व्यक्ति का जो सपना पूरा होता है। लेकिन 97% लोग होते हैं जिनका खुद का अपना कोई गोल नहीं होता दोस्तों। गोल तो हर किसी को होता है, सपना तो हर किसी का पूरा होता है, लेकिन सपना उन्हीं का पूरा होता है जिनका लाइफ में कोई गोल होता है। अगर हमारा खुद का अपना कोई गोल नहीं होता है तो हम दूसरों के गोल के लिए काम करते हैं, जॉब करके या दूसरा कोई काम करके उसके सपनों को जो है उसके गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जो गोल है वो किस तरह से होने चाहिए, हमारे जो गोल है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए दोस्तों।
क्योंकि जो क्लैरिटी है हमारे गोल के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। हमारे जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए दोस्तों। स्मार्ट का जो अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एस का फॉर्म है स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम इस बिजनेस के बीच में आए हैं तो इस बिजनेस में आते ही हमारे पास जो है इसमें दो तरह के जो है हमारे गोल जो है डिफाइन होने चाहिए। सबसे पहले जो गोल है दैट इज अर्जेंट बेस्ड गोल्स, कि हम इस बिजनेस में जैसे ही आए हैं हम इसमें से क्या पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति का जो है यहाँ पे जो रोल है वो सबसे जो इस सिस्टम की जो बड़ी पिन है वो डायमंड लेवल तक। हर व्यक्ति चाहता है मैं डायमंड तक जाऊं। हो सकता है जो वो रूबी पिन पे जो है जाना चाहता हो, या जो स्टार लेवल पे जाना चाहता हो, या प्लेटिनम लेवल पे जाना चाहता है। सबसे पहले हमने अपना जो है एंड रिजल्ट क्या है, कहाँ हम जाने चाहते हैं, उसके लिए जो हमने जो काम करना है दूसरों वो दूसरा काम है प्रोसेस, कि उस रिजल्ट को पाने के लिए हमने जो किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, इसको जो हम फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं कि आने वाले उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स में, कि इसको जो है हम प्रोसेस वाइज गोल को जो हम आने वाले जो है 2 से 5 साल में कहां पहुंचने जाते हैं इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो है उसको मिड टर्म गोल में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसका उसको शॉर्ट टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, जो हम जो है 1 से 3 महीने के बाद, 1 से 6 महीने का होता है हमारा। इस तरह से मिड टर्म जो गोल होते हैं कि हम 2 से 5 साल तक इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से ये लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमने कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना है, आने वाले 5 साल में हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कौन से घर पे हम रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो इसका जो है मतलब स्पेसिफिकेशन जो है बहुत होना बहुत जरूरी है। इसकी जो पावर, इसके पीछे जो काम करती है दोस्तों, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये बताया कि 1979 में ये सर्वे हुआ, जहाँ पे एक जो है यूनिवर्सिटी के बीच एक सर्वे हुआ, जब वो MBA के स्टूडेंट जो पास आउट होकर जा रहे थे तो वहां पर उससे पूछा गया कि आपका जिंदगी में क्या गोल है। तो उसमें से ओनली 3% ऐसे लोग थे जिनका एक गोल था और रिटर्न में था। रिटर्न गोल जो होते हैं वो 97% काम करते हैं दोस्तों, और रिटर्न में था उनका एक प्लान था दोस्तों। और उसमें जो 13% ऐसे लोग थे जिनके पास गोल तो था लेकिन रिटर्न में नहीं था, और 84% ऐसे लोग थे जिनके पास जिंदगी का कोई गोल ही नहीं था। तो 10 साल के बाद उनको जब ट्रैक किया गया, 89 में ट्रैक किया गया, तो जो 3% लोग थे उनका, जो बाकी के जो 97% जो लोग थे उनकी इनकम का हर एक व्यक्ति जो है वो उनसे 10 टाइम जो है वो अर्निंग करा था दोस्तों। मतलब इतनी पावर है रिटर्न गोल के अंदर, इतनी पावर है दोस्तों। और ये जो गोल है वो किस तरह से होने चाहिए, हमारे मेजरेबल होने चाहिए। मान लीजिए मुझे कामयाबी पानी है तो कामयाबी के मायने क्या है, कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कि हर बंदे के लिए जो कामयाबी का अलग अलग मायने जो है वो हो सकता है दोस्तों। उसके बाद अचीवेबल, हमारा जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आने वाले 6 महीनों में हम जो स्टार रूबी पे चले जाएंगे, ऐसा हम नहीं डिफाइन कर सकते दोस्तों। हमारा ऐसा गोल होना चाहिए जो हमें खुद को मोटिवेट करे। अगर हम ऐसा गोल बना लेते हैं जो कि पूरा नहीं होता है, वो हमें खुद को डिमोटिवेट कर देता है दोस्तों। तो हमारा जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है रियलिस्टिक, कि जो कुछ भी हम चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान जो यहाँ पे बिजनेस बनाता है कोई पूंजी नहीं लगती उसकी, तो क्या चीज है जो कि उस बिजनेस में उसको कामयाब बनाएगी। यहाँ पे इसके जो गोल है वो ही उसको जो है काम, गोल जो है उसके अंदर फ्यूल का काम करने दोस्तों, क्योंकि जिसके अंदर जो चिंगारी होगी वो ही भरकेगी। कहते हैं मासिस की तीली जब जलती है या तो वो जलती बुझ जाए, या बुझने से पहले जो लाखों तीलों को जला जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस जिंदगी में अगर आए हैं तो या तो जो है हम हमारी जिंदगी ऐसे ही बुझ जाएगी, या तो जाने से पहले जो है हम लाखों लोगों की जिंदगी में जो प्रकाश करके जाए दोस्तों। तो उसके बाद रियलिस्टिक, हमारे जो गोल हैं भी रश, हम ऐसे नहीं कह सकते मैं आपके लिए चांद दाढ़ी तोड़ के ले आऊं, रियलिस्टिक नहीं है। जो चीज हो सकती है वही हम जो है इसके ऊपर जो है फोकस करें। टाइम बाउंड, हमारा जो है वो जो भी हमने जो गोल बनाया है, एग्जांपल के तौर पे मुझे जो है रॉयल्टी पे जो पहुंच रहे हैं, तो रॉयल्टी पे पहुंचने के लिए मुझे उसी टाइम बाउंड होना पड़ेगा। किस लेवल पे जाना है, स्टार प्लेटिनम पे जाना है, या जब प्लेटिनम पे जाना है स्टार गोल्ड पे जाना है, दैट शुड बी टाइम गोल। अगर एग्जांपल के तौर पे जो है मुझे जो दिल्ली जाना है और मुझे पता है यहाँ से जो दिल्ली पहुंचने का जो है यहाँ से 6 घंटा लगता है लुधियाना से, तो इसका मतलब है कि मुझे 6 घंटे पहले यहाँ से चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मैं जो है 6 घंटे में नहीं, मैं जो 4 घंटे रह गए तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टाइम बॉन्डिंग का जो है होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद आता है कि अब इसके अंदर अपने इमोशंस को ऐड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो हम क्यों काम करें,
क्योंकि हम तभी काम करेंगे जब हमारे अंदर कोई आग लगी होगी, मतलब स्पार्क को हमने अंदर आप में ऐड करना है। स्पार्क को भी मैंने जो है इसमें डिफाइन किया है दोस्तों, वो कहते हैं स्पार्क का पहला जो है कहता है स्पीक, स्पीक बट यू वोंट स्पीक योर गोल्स एवरीडे। आपने वही चीज बोलनी है जो आपको चाहिए। एग्जाम्पल की आपको आपको चाहिए कि आपको मुझे रोल्टी पे जाना, तो आई विल स्पीक मुझे रोल्टी चाहिए, थैंक यू और थैंक्स फॉर भगवान का। हम चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो है वो अमीर आदमी बनना है, तो अमीर आदमी कैसे बनना है, तो स्पीक व्हाट यू वांट, थैंक यू गॉड मैं अमीर बन रहा हूँ, थैंक यू गॉड मैं आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ अमीर कर रहा हूँ अमीर बन रहा हूँ, थैंक यू गॉड मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ अमीर हूँ, थैंक यू गॉड मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ अमीर हूँ, थैंक यू गॉड मैं आरसीएम के कपड़े पहन रहा हूँ अमीर हूँ, थैंक्स। हमने भगवान का थैंक्स करना है। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक यू हैव बट यू डोंट हैव, वांट हैव। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो है ग्रुप में जो है हमारी टीम बढ़े, तो स्पीक कि थैंक यू गॉड मेरी ग्रुप की जो ज्वाइनिंग बढ़ रही है, थैंक यू गॉड मेरी जो है डिस्प्ले वॉल की जो लाइन लग रही है, थैंक यू गॉड जो हमारा जो है बीवी बढ़ रहा है, तो इस तरह से स्पीक बढ़ती हुआ धीरे धीरे के वो जो है हमारे इनर कॉन्शियस में जाएगा, वो जो है सबकॉन्शियस में जाएगा और धीरे धीरे करके जो है वो हकीकत तक में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आता है ना, वट एवर यू हैव, जो भी हमारे गोल हैं, कीप देम ऑलवेज इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में हमेशा रखें, ताकि जब भी हमारा हाथ पॉकेट के अंदर जाए तो हमें बार बार याद दिलाएं ये जो मैंने गोल बनाया था ये मैंने पूरा करना है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा अनाउंस, जब भी हमें मौका मिलता है किसी भी मीटिंग में, हमें जो है अपने गोल्स को जो है वो डिफाइन करना है, लोगों को बताना है, अनाउंस करना है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मैं अगर अनाउंस कर दूंगा तो वो मेरी टांग खींचेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, वी आर इन अ फुटबॉल लाइक गेम, हम एक फुटबॉल की गेम की तरह है, और वी आर लाइक अ गेम, हम एक फुटबॉल की तरह है, और जो लोग हमारे को जो किक्स जो हमें देंगे, विदाउट देयर किक्स वी कांट रीच अवर गोल, और उनके किक को जो है छुए बिना जो हम अपने गोल तक नहीं पहुंचते। देखो दोस्तों, जिस तरह से जो है फुटबॉल की गेम के अंदर क्या होता है, एक साइड में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे साइड में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक साइड वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं मैंने गोल करना है, और दूसरे साइड से जो है 11 खिलाड़ी जो है पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे गोल नहीं करना देना है, वो रोकते हैं हमें। इसी तरह से जैसे ही हम मार्केट के बीच जाते हैं, उस वक्त लोग हमें रोकेंगे, हमारे जो है फादर हमें, मदर पेरेंट्स रोकेंगे, हमारी वाइफ रोकेंगे, हमें बच्चे रोकेंगे, रिश्तेदार रोकेंगे, सब कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा दोस्तों। लेकिन अगर हमारा जो है अगर गोल क्लियर होगा, मुझे जाना कहाँ है, तो ये जो बीच की जो रुकावटें हैं वो हमारे जो अड़े नहीं आएंगी। जिस तरह से एक दूल्हे को जो है अपनी जो है दुल्हन नजर आती है, ऐसा जो है अगर हमारे अंदर चाहे जितनी मर्जी जो हम गर्मी हो उसको जो है अपनी जो है दुल्हन नजर आती है, तो इस तरह से जो है हमारा जो है हमने अनाउंस करना है। उसका रीड डेली, जो भी हमने अपना जो है गोल बनाया है उसको डेली जो है शाम को सोते वक्त उसको देखना है, उसको रीड करना है, और सुबह उठते हैं हमने उसको रीड करना है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा कीप आउट ऑफ देम रॉन्ग, और जो भी हमने गोल बनाया है उसको डेट के साथ जो है उसको जो है उसकी जो है फोटो लगा करके हमने जो है अपनी बॉर्ड पे लगा लेनी है दोस्तों। कीप देम अराउंड, अपने आसपास रखना है, जहां भी आप काम करते हैं आप अपने जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगा सकते हैं, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में लगा सकते हैं, जहां आप जो है बार बार आपका जाना होता है, अगर जो है फ्रिज हम खोल रहे हैं तो फ्रिज के ऊपर हमारा चिपका होना चाहिए, तो ये जो गोल है वो बार बार हमें जो है वो याद दिलाते हैं। उसके बाद जो है हमने इसमें इमोशंस ऐड करने हैं, अगर हमने अपने इमोशन ऐड कर देते हैं कि अगर जो मेरा सपना बनाया है अगर वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि आज की स्टेज में अगर हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमें जो है उसके पीछे जाना जो है बड़ा मुश्किल है, हम जो है यहाँ से पीछे नहीं सकते, या तो हम मरेंगे या करेंगे, क्योंकि अभी जो है पीछे जाने के जो सारे के रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज नॉट विजिलेंट भाई, आई विल डू और डाई, अब हमारी जो है ये स्थिति आ चुकी है, या तो हमें करना है या तो मरना है दोस्तों, तो अब आगे जो हम किस तरह से कर सकते हैं, अब जो इसके पीछे जो कौन सी साइंस काम करती है, ये जो सपने हैं वो किस तरह से हमारे पूरे हो सकते हैं। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था दोस्तों कि ऑलवेज डिफाइन योर गोल्स, किस तीन तरह के जो आपको गोल डिफाइन करो अपने उसमें इमोशन ऐड करो। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहते हैं कि मुझे जो है अगर आप शादीशुदा नहीं है अभी, आप चाहते हैं कि मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी है, आपने अपना ड्रीम तो बना लिया लेकिन उसकी अगर आपकी डेट फिक्स नहीं हुई तो आपका वो सपने का सपना रह जाएगा। इसी तरह से जो है हम चाहते हैं कि हमारी रॉयल्टी आए, टेक्निकल आए, राउपी आए, स्टार रूपी आए, डायमंड आए, ये सब कुछ हम चाहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इस गेम से अगर आउट हो जाएंगे दोस्तों, तो हम कभी भी जो है इस गेम में जो है अपना जो है कंट्रीब्यूशन ना देने की वजह से जो है जीत नहीं पाएंगे दोस्तों। तो हमें इसमें टिके रहना है, टिकने के लिए जो है एक ही काम
जो हमने करना है इसमें अपना गोल डिफाइन करना है दोस्तों। गोल डिफाइन करने के बाद उसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने का एक ही तरीका मैंने इसमें पढ़ा था एक किताब के अंदर, वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने तीन गोल डिफाइन करो और तीनों को जो अलग अलग पेज पे रखो और हर एक गोल के नीचे पांच अपने रीजन रखो कि अगर मैं इसको नहीं करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको जो कर लेता हूं तो क्या होगा। दोस्तों ये जो मुसीबतें हैं कुछ समय की हैं, आज जो लोग हमें जो रोक रहे हैं कुछ समय के लिए हैं, और यही जिस वक्त जो है हम कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, ग्लोरी और प्राइड जब हमारे पास होगा, जो व्यक्ति हमें रोक रहे थे वो ही आपके ऊपर प्राउड फील करना शुरू करेंगे। दोस्तों जो बच्चे और जो माँ बाप आपको जो है कह रहे थे बच्चा तू नहीं कर सकता, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड भी कह रहे कि तू नहीं कर सकता, लेकिन जब हम जो है इन सबको चीज के जो है ग्लोरी को पार कर लेंगे दोस्तों, तो यही जो है आपको प्राउड फील करना शुरू कर देंगे दोस्तों, और आप जो है उस वक्त जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके होंगे, हम अपने जो लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये जो है आज मैं इसके बीच बता, और इसका जो तीसरा जो और जो मैं एक बुक में पढ़ा था उसमें ये जो लिखा था कि जब इस प्रोसेस से ऊपर आप गुजरते हैं तो इस प्रोसेस से गुजरते हुए उससे भी जो आपको पीड़ा होती है वो जो है बहुत पीड़ा होती है। जिस तरह से कहते हैं कि जैसे जो है एक माँ को जो है जो पीड़ा होती है वैसी पीड़ा होती है, लेकिन उसको पता है कि 9 महीने के बाद एक नन्ना मुन्ना बच्चा जो है मेरे आंगन में खेलेगा, लेकिन अगर वो पीड़ा ना सहन सक कर सके तो जो है वो बांझपन का जो है, इसी तरह से वो जो बांझपन का जो पश्चाताप है वो सारी उम्र रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर इसमें हम रोल्टी टेक्निकल जैसे स्टार रूपी डायमंड जैसे अगर बिल्कुल ना अगर हम आज भी अचीव कर पाए तो ये जो सपना है वो हमारा सपना रह जाएगा, और ये जो हमारा जो पश्चाताप है आने वाले 20 साल 50 साल जब तक हम जिंदगी में रहेंगे तब तक रहेगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों अपने इमोशन ऐड करो, उसके बाद जो है जैसे ही हम ब्रेक अब हम जिस फेज से गुजरेंगे इस प्रोसेस में जो हमारा जो हम क्या इंसान बन जाएंगे हमारी जो पर्सनैलिटी कितनी खिल जाएगी उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू गोल्स, कि हम जो है इस प्रोसेस से गुजरते हुए हम क्या बन जाएंगे। वो कहते हैं जैसे मैं सुंदर सबको सुन रहा था वो कहते हैं कि जिस तरह से सोने को जब जो है वो अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है वो कुंदन बन जाता है, तो हम भी जो है आने वाले टाइम पे हैं वो लीडर बन सकते हैं और हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा जो हम दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट।